दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज अपने गार्डन में काम करते हुए मुझे कुछ छोटे छोटे प्लांट्स को हैंग करना था, तो मैं सोच रही थी इसको कैसे करूं, तो मुझे एक जुगाड़ आया है, वो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। मेरे घर पे फर्नीचर का काम चल रहा था, तो उसके लिए मेरे पास कुछ छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे, और मेरे पास कुछ वॉल हैंगिंग टाइप की थी, उसकी कुछ रस्सियाँ थी, और मेरे पास की रिंग का, मैंने की चेन का एक रिंग लिया हुआ है, तो उससे मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने क्या बनाया है। तो मैंने क्या किया, ये जो रस्सियाँ थी इनको सीधा कर लिया था, और ये जो पट्टियाँ ली थी ना लकड़ी की, मेरे पास तो वो नहीं था उसमें होल कराने के लिए, तो मैंने अपने कारपेंटर से इसमें चारों कोनों में चार होल करा लिए थे। उसके बाद मैंने क्या किया, चारों होल में ये जो रस्सी थी, जो मैंने हैंगिंग वाली जो रस्सी थी ना, वॉल हैंगिंग थी, मैंने उसको सीधा करके उसमें होल में मैंने ये रस्सी डाली। दो पहले दोनों एक तरफ के जो दो होल थे उनमें रस्सी डाल के, और ऐसे पीछे मैंने उसमें नॉट लगा दी है। फिर ये देखिए, इसमें जो एक तरफ के थे उसमें मैंने रिंग डाल के फिर दूसरी तरफ से उसको अटैच करके ऐसे नॉट लगा दी है। अब जो दूसरी रस्सी है वो फिर इस रिंग के अंदर से डाल के, अब ये दोनों तरफ के जो दूसरे तरफ के पट्टिये में होल थे ना उसमें डाल के मैंने इसमें देखिए ऐसे नॉट लगा दी। इसको मतलब थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, इसको मतलब एक प्रॉपर बैलेंस हो जाए, ऐसे थोड़ा सा आप ऊपर करके देख लीजिएगा कि उसका, जैसे हम पतंग की डोरी कैसे बांधते हैं तो उसमें बैलेंस आना चाहिए, तो इस तरीके का बैलेंस आ जाए, तो ये आप खुद एडजस्ट करके देखिएगा। और पीछे तरफ ऐसे नॉट लगा देंगे आप। इसका मतलब यूज़ जो आप बहुत हैवी चीज़ें रखने के लिए नहीं कर सकते, पर जैसे कुछ लाइट चीज़ें होते हैं, जैसे हमारी स्टेशनरी की कुछ चीज़ें हैं, आप कुछ छोटे छोटे पॉट्स वगैरह रखना चाहते हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसके, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा, क्यूट सा, बड़ा अच्छा सा लगता है। तो इस तरीके से मैंने इसको तैयार किया हुआ है। ये देखिए, अब ये मेरा बनके ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना काफ़ी। तो आप भी इसको घर बैठा है बड़े आसानी से, जो घर में आपके पास चीज़ें हैं ना उनसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ भी बहुत मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ईज़िली बन जाएगा। अभी देखिए, मेरे पास जो छोटे छोटे कुछ प्लांट्स थे वो इसमें मैं हैंग कर रही हूँ, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, ऐसे जैसे वॉल माउंट करने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे जो टेरेस की जो वॉल थी उसका लुक ही बदल गया काफ़ी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट पाइनएप्पल स्लश। उसके लिए मैंने पाइनएप्पल के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, एक कोकोनट वाटर डाल दिया, उसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डाले, और उसको बढ़िया जूसर में बढ़िया सा मिक्स कर लिया, और हमारा ये रेडी हो गया। बहुत ही इजी होता है, पर इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत होते हैं। एक्चुअली पाइनएप्पल एंड कोकोनट दोनों ही इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, तो हेल्थ बेनिफिट से भी ये ड्रिंक काफ़ी अच्छा है। तो इसका सर्व करने के लिए मैंने क्या किया, बस थोड़ी से पाइनएप्पल चंक्स ग्लास में डाले, क्रश्ड आइस डाली, और जो मैंने पाइनएप्पल और कोकोनट वाटर को एक मिक्सचर बनाया था वो डाला, और पुदीने की पत्ती से गार्निश किया। तो आप भी एक हेल्दी ड्रिंक बना के पीजिए, टेस्ट में बहुत अच्छा, उसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं।
आज तो लग रहा है काफ़ी मस्त हेल्दी डे होने जा रहा है। मैंने एक पाइन एप्पल कोकोनट सिरप भी बनाया था और नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल के वाफल। उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, मूंग की दाल को रात में भिगो के रख दिया था, उसको फिर पीस लिया। उसमें आप भी अपनी चॉइस की जो भी सब्जियां मिलाने चाहिए, मैंने तो उसमें कसी हुई गाजर, प्याज, धनिया, मिर्च ये सब मिलाया है। उसके बाद मैंने बस वॉफल मेकर में ऑयल्स लगाया, उसके बाद ये घोल डाला और मस्त आपका एक हेल्दी वॉफल तैयार हो गया। ये मतलब इसका टेस्ट वैसे तो हम तवे में काफ़ी ऐसे चीले बनाते, पर मैंने इसको इस बार वॉफल मेकर में बनाया तो काफ़ी अच्छा क्रिस्पी सा एक अलग ही टेस्ट आया उसको। आप हरी चटनी के साथ खाइए, मस्त मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए प्लीज़। दोस्तों आपके प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, मौसम बड़ा सुहाना सा हो गया है। तो चलने से पहले मैं दो लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने लिखी हैं। कुछ रिश्ते संभाल कर रखे थे मैंने, आज ढूंढने पर मिल नहीं रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू सो मच, आपका प्यार बनाए रखिएगा और फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।